दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रूस को अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेनी पड़ रही है। जी हां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 70 साल बाद रूस का कोई बड़ा अधिकारी नॉर्थ कोरिया में पहुंचा है और अब रूस नॉर्थ कोरिया से बड़ी मदद लेने वाला है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और रूस से कौन पहुंचा है नॉर्थ कोरिया, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों इस वक्त रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस दौरान रूस की मदद करने यानी कि रूस को वापस भेजने के लिए कोई भी देश नहीं है। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री अतिथि के रूप में नॉर्थ कोरिया में पहुंचे हैं और चीन का भी एक बड़ा दूसरी पार्टी का अधिकारी वहां पहुंचा है। ऐसे में अमेरिका का कहना है कि ये दोनों देश वहां किम जोंग उनके पास वेपन्स खरीदने के लिए गए हैं और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जिसके पास हर एक उम्दा मिसाइल है वो अब रूस के साथ है, पर तमाम देशों ने अलग अलग सेक्शंस लगा रखे हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कह दिया कि यह इस युद्ध में भी रूस के साथ है। ऐसे में क्या अफसाना सा हो कि एक अलग फौज खड़ी हो गई है। अगर ऐसा है तो भारत द्वारा रूस को बरमोज दी जाना कहीं ना कहीं भारत को भी उसी कैटेगरी में तो नहीं डाल देगी, और ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि जो रूस का समर्थक होता है वह तानाशाही होता है। ऐसे में यह काफी बड़ा सवाल है। भारत ने कुछ समय पहले यह बात साफ कह दी थी कि अगर वह चाहेगा तो हम बरमोज उसे दे सकते हैं। दोस्तों ऐसे में जिस तरह से रूस की नॉर्थ कोरिया से नजदीकियां बढ़ रही है और रूस के विदेश मंत्री उस समय नॉर्थ कोरिया में पहुंचे हैं जिस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर जीत का जश्न मना रहा है, वहां पर एक फंक्शन आयोजित किया गया था। उस दौरान रूस से विदेश मंत्री और चाइना से चाइनीज मंत्री वहां पर पहुंचे। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने इनको अपनी मिसाइल का सारा डिस्प्ले भी दिखाया, उनके पास कौन कौन सी मिसाइलें मौजूद हैं। और इस दौरान कहा गया कि 70 साल पहले भी रूस हमारे साथ था। ऐसे में यह बहुत मायने रखता है और यह साफ तौर पर दर्शाता है कि रूस और चीन साफ तौर पर नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े हो गए हैं और खड़े होकर अब वे किम जोंग उनके हथियारों का निरीक्षण कर रहे हैं और इन हथियारों के माध्यम से ही इन देशों के बीच में आने वाले समय को लेकर चर्चाएं हो रही है। और यहां तक कि ऐसे भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने किम जोंग उनके नाम पर मैसेज भेजा है और उस मैसेज में उन्होंने उनकी सहायता को अप्रिसिएट किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब रूस इनके माध्यम से वेपन्स खरीदेगा। और आप यहां पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया ने रूस और चीन का ग्रैंड वेलकम अपने देश में किया है। और साथ ही आप तस्वीर में यह सभी भयानक मिसाइलों को देख सकते हैं जो साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है। और इस दौरान यहां पर खतरनाक ड्रोन्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनको नॉर्थ कोरिया ने बनाया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जिनके पास मानो हथियारों का इस वक्त भंडार है और किम जोंग उन ने उन हथियारों का दौरा रूस और चीन को करवाया और जिस तरह से यहां पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है उसे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इस वक्त कहां पर है। और वहां पर खुद रूस के विदेश मंत्री देखने आए हैं उन सभी हथियारों को। और इस दौरान रूस की तरफ से यह कहा गया है कि यह देखने के बाद हमें लगता है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सेना ही नॉर्थ कोरिया ही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह सब देश एक साथ हो जाए तो फिर दुनिया का क्या होगा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।